ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से परिणाम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग जो है लास्ट क्लास में टेंस पढ़ रहे थे, और कौन सा टेंस चल रहा था उस समय? प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आप सभी से ये कहा था कि हम लोग जो तीन टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट हैं, अक्सर इन तीनों में ही हम लोग फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न आ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है एरर के क्वेश्चंस या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इन तीनों सेंटेंसेस का एक साथ कंपैरिजन, ठीक है ना, सॉरी तीनों ही टेंसेस का एक साथ कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि किस तरीके से, किस तरह के एग्जाम्पल में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, किस तरह के एग्जाम्पल में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, और किस तरह के एग्जाम्पल में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सॉरी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है, ये फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, फिनिश्ड एक्शन, ठीक है, जिसका कनेक्शन कब से हो? प्रेजेंट से, ठीक है ना। और दूसरी चीज है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये भी किसकी बात करता है? फिनिश्ड एक्शन, जिसका कनेक्शन किससे हो? पास्ट से हो। और थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या है? ये भी फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, बट ये क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट से भी पहले कुछ खत्म हुआ है, तो वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन तीनों ही टेंसेस में और अच्छी पकड़ बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों टेंसेस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले किसी क्लास में बताया था कि ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेंस के ऊपर अगर आ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये टेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ लेने चाहिए। ओके, देखिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम इज नॉट एट होम, राम इज नॉट एट होम, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, एक सेंटेंस ये है। और एक सेंटेंस है, राम हैज गॉन टू मार्केट ही हैज कम बैक। ओके, ये दो सेंटेंस है, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोनों सेंटेंस मैंने एक जैसा लिखा है ताकि आपके समझ में थोड़ा ज्यादा आए। राम इज नॉट एट होम, ही वेंट टू मार्केट, ये पहला सेंटेंस है, और सही है गलत है ये हमें पता करना है। राम हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज कम बैक, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, सही है कि गलत है ये हमें पता करना है। ठीक, राम इज नॉट एट होम, राम घर पर नहीं है, ये, और यहां पर ये कौन सा टेंस हो गया बताइए? जब मैं ये कहता हूं कि
राम इज नॉट एट होम, यहां पर इज आया हुआ है, इज आने की वजह से कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, समझ रहे ना मेरी बात को। ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, तो अगर वो घर पर नहीं है इसका मतलब कहीं गया हुआ है, तो उसका कहीं जाना प्रेजेंट की सिचुएशन है कि पास की सिचुएशन है। भाई जैसे कि मान लीजिए मैं अपने किसी फ्रेंड के घर पर गया हूँ, ठीक है ना, और मैंने पूछा उसके फादर से कि ये मेरा फ्रेंड कहाँ है, तो उस समय मैं उसके घर पर नहीं गया हूँ और वो घर पर नहीं है, सिचुएशन कब की है, प्रेजेंट की है, ठीक है। अब अगर वो कहीं बाहर गया है तो ये सिचुएशन भी कब की है, प्रेजेंट की है ना, पास की तो है नहीं, राइट, क्योंकि वो इस समय घर पर है नहीं, तो उसका बाहर होना या कहीं पर गया होना भी सिचुएशन कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा टेंस लिखा हुआ, ही वेंट टू मार्केट, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। मैं आपको बार बार वही चीज़ समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं फिनिश्ड एक्शन के लिए जो कि प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड हो, यहाँ टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, समझ गए ना, ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, इसका मतलब कहीं गया हुआ है, तो उसका कहीं गया होना भी वो प्रेजेंट की ही सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ किस में होनी चाहिए थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए थी, यानी हमें क्या लिखना चाहिए था, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, समझ में आ गई मेरी बात। अगला एग्जांपल देखिए, जब मैं कहता हूँ राम हैज़ गॉन टू मार्केट, ठीक है ना, ही हैज़ कम बैक, अब यहाँ पर भी दो टेंस है, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस में दो अलग अलग टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हैज़ गॉन लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ हैज़ कम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आएगा बताइए, ये कैसे समझ में आएगा, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़ कम बैक। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसेस में किस सिचुएशन की बात हो रही है। जब मैं कहता हूँ राम हैज़ गॉन टू मार्केट और जब मैं कहता हूँ ही हैज़ कम बैक, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट जाने की बात हो रही है और यहाँ पे वापस आ जाने की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जाना पास्ट का सिचुएशन हो गया, भाई कोई कहीं गया था वो वापस आ गया, आई वॉज ऑन में, यहाँ पर क्या बताया, ही हैज़ कम बैक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिचुएशन है कब की है, पास्ट की है, और वो जो सिचुएशन है कब की है, प्रेजेंट की है। तो वो सिचुएशन अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, सही है, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन जो है पास्ट की है, क्योंकि अभी तो वो वापस आ गया है, इसका मतलब मार्केट जाना उसका कब का था, पास्ट का था, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, राम वेंट टू मार्केट बट ही हैज़ कम बैक, मार्केट गया लेकिन वो वापस आ गया, समझ गए ना। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, कहाँ पे हमें पास्ट इन्फिनिटिव टेंस लगाना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ दोनों ही सेंटेंसेस, ध्यान समझने की कोशिश करिए। मैंने दो सेंटेंस लिखा, राम इज नॉट एट होम, ही वेंट टू मार्केट, राम घर पर नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, वहाँ पास्ट टेंस है, ठीक है ना। अगर राम घर पर नहीं है तो ये तो सिचुएशन प्रेजेंट की है, तो उसका अगर वो कहीं गया हुआ है तो ये सिचुएशन भी कब की है, प्रेजेंट की है, समझ गए, प्रेजेंट की है, तो वो सिचुएशन चीज़ है, पास्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। उसी तरीके से जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, राम हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़ कम बैक, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राम मार्केट गया हुआ है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वापस आ गया है, तो वापस आ गया है इसका मतलब ये सिचुएशन अभी रिसेंट की है, लेकिन ये जो चीज़ है राम हैज़ गॉन टू मार्केट, यह जो सेंटेंस इसमें जाने की बात हो रही है, इसका मतलब ये उससे पहले की है, तो ये पास की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, ठीक है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, तब मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक। आई होप कि नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है, यहाँ पर आप सभी क्रॉस मार्क कर लीजिए। ये आपको बताना था कि जब दो सेंटेंस दिए हुए हों, ठीक है ना, और दो सेंटेंसेस में दोनों सिचुएशन अलग अलग हों, सिचुएशन अलग अलग होने का मतलब ये है कि पहले सिचुएशन कुछ और थी और अब कुछ सिचुएशन कुछ और है, तो वहाँ पर हम लोग जो पहले वाली सिचुएशन थी उसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, और अभी वाली जो सिचुएशन है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिए, ठीक है। अगर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, अगर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और सिचुएशन कुछ अलग अलग हो गई है, ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पर पहले वाली सिचुएशन रहती है वहाँ पर हम पास्ट इन्फिनिट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है,
और करेंट वाले सिचुएशन के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो और एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ, क्या अगर कहा जाए कि इट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, फॉर अ व्हाइल, बट इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, बताइए। और एक दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इट स्टॉप्ड रेनिंग बट इट सीम्स इट विल रेन अगेन इन सम टाइम। आपके सामने ये दो सेंटेंस है, इट हैज स्टॉप रेनिंग फॉर अ व्हाइल बट इट इज रेनिंग नाउ, इट स्टॉप रेनिंग बट इट सीम्स इट विल रेन अगेन इन सम टाइम। ठीक है ना, तो आइए एक एक करके दोनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की बात करते हैं, इट हैज स्टॉप रेनिंग फॉर अ व्हाइल बट इट इज रेनिंग नाउ। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ हैज स्टॉप्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे बट इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको ये बताई थी कि वी डू नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट इफ द सिचुएशन नाउ इज डिफरेंट, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं जब सिचुएशन इस समय क्या हो, अलग हो गई हो। यानी पहली वाली सिचुएशन के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, पास्ट इनडिफिनिट टेंस लगाते हैं, है ना। पहली वाली सिचुएशन के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट इनडिफिनिट टेंस लगाते हैं, राइट। तो वही चीज यहां पर देखिए, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, ठीक है, यहां पे क्या सिचुएशन है, यहां पे सिचुएशन है कि बारिश रुकी हुई है, ठीक है, और यहां पे क्या सिचुएशन है, बट इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। तो भाई इसका मतलब ये दोनों सिचुएशन तो एक ही समय पे अलग अलग चीज हो नहीं सकती कि अभी बारिश रुकी भी हुई और अभी बारिश हो भी रही है। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट। समझ गया ना, दैट मीन्स हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो करेंट वाले सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट वाले सिचुएशन के लिए वी यूज प्रेजेंट टेंस, एंड द सिचुएशन विच इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, जो अभी की सिचुएशन नहीं है, वो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, पास्ट इनफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। यानी यहां पर हम इट हैज स्टॉप्ड, ये पास्ट की बात हो गई, बारिश पहले रुकी थी अब तो हो रही है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, इट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर अ व्हाइल बट इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है ना, आई एम टेलिंग यू अगेन, वी डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इफ द सिचुएशन इज नाउ डिफरेंट। अगर इस समय सिचुएशन अलग हो गई है पहले से, तो वो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं। समझ गए ना, वहां पे कौन सा टेंस किया जाएगा, पास्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है और ये सिचुएशन पहले की है, तो ये जो है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इसका प्रेजेंट से कनेक्शन होता तो बारिश अभी रुकी ही रहती, हो नहीं रही होती, जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। तो एक ही समय में बारिश का होना और बारिश का रुके रहना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब आइए इस एग्जाम्पल पर, इट स्टॉप रेनिंग बट इट सीम्स इट विल रेन इन सम टाइम, ठीक है ना। अब यहां पर दो चीज है, यहां पर एक सेंटेंस आया हुआ है क्या, स्टॉप्ड, ठीक है ना, जो कि कौन से टेंस में है, जो कि है पास्ट इनडिफिनिट टेंस में, और आगे एक दूसरा सेंटेंस आया हुआ है, बट इट सीम्स इट विल रेन अगेन इन सम टाइम, यहां पर विल रेन आया हुआ है,
ठीक है ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब यहां पर हमें ये समझना है कि ये जो सिचुएशन है पास्ट की है या फिर प्रेजेंट की है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन पास्ट की है तो पास्ट के हिसाब से क्या हम फ्यूचर का कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बोलिए। जैसे कि ये आसमान में बारिश हो रही थी, कुछ समय के लिए बारिश रुक जाती है लेकिन फिर भी बादल घिरे रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अभी और बरसेगा। तो बारिश, इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये पास्ट की नहीं है, ये जो सिचुएशन है कब की है, ये जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट की है। समझ गए मेरी बात को, सिचुएशन प्रेजेंट की है इसलिए वहां पर हम लोग प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, समझ गए ना। तो यहां पर इट स्टॉप्ड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इट हैज स्टॉप्ड। यानी यहां पर अब क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन प्रेजेंट की है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, समझ गए, बहुत ध्यान दीजिए यहां पर और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अगर ये जो सेंटेंस है इसको मैं सही मानूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिचुएशन कब की है, पास्ट की है। तो पास्ट के हिसाब से हम लोग फ्यूचर का कोई प्रडिक्शन नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर का कोई भी प्रडिक्शन हम लोग किसके हिसाब से करते हैं, प्रेजेंट के हिसाब से करते हैं, पास्ट के हिसाब से नहीं करते हैं कि पास्ट में ऐसा था तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ सिचुएशन प्रेजेंट की है, बारिश अभी रुकी हुई है लेकिन आसपास के माहौल को, बादलों को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी रुकी हुई है लेकिन अभी फिर से बारिश होगी कुछ देर में। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की है, इसलिए यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे, इट हैज़ स्टॉप्ड लिखेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे अगर कहा जाए कि दे हैव, सॉरी, ठीक है, दे हैव गॉन टू, दे हैव गॉन टू अमेरिका बट, सॉरी, बट बट दे हैव रिटर्न टुडे मॉर्निंग। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, दे हैव गॉन टू अमेरिका बट दे हैव रिटर्न टुडे मॉर्निंग। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए और बताइए मुझे इसमें क्या गलती है। तब तक मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस भी लिख के देता हूँ। सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ध्यान देखिए, दे वेंट टू अमेरिका एंड विल रिटर्न इन विल रिटर्न नेक्स्ट वीक। अब आपके सामने दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है,
ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव गॉन टू अमेरिका बट दे हैव रिटर्न टुडे मॉर्निंग। अब अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, एक तो हैव गॉन लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखा हुआ है, हैव रिटर्न्ड टुडे मॉर्निंग, ठीक है, वापस आ गए हैं। तो एक ही समय में दो बातें हो सकती हैं क्या, अमेरिका में दे हैव गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब सिचुएशन प्रेजेंट की, यानी अभी वो आए नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे के सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, बट दे हैव रिटर्न टुडे मॉर्निंग, लेकिन वो आज सुबह ही आ गए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वापस आने की बात तो प्रेजेंट की है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो बात है अमेरिका जाने की बात, ये जो है प्रेजेंट की नहीं है। नाउ हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट, और अभी मैंने क्या बताया था, ठीक है, वी डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन द सिचुएशन इज डिफरेंट, ठीक है, जब सिचुएशन अलग होती है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं किया जाता, इनफैक्ट वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट एंड हियर इट इज डिफरेंट, तो ये तो हो गई प्रेजेंट की, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में हम लिखना है, लेकिन ये सिचुएशन कब की हो गई, पास्ट की हो गई, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए यहां पर क्या लिखना चाहिए था, दे वेंट टू अमेरिका, ठीक है, वे अमेरिका गए थे, ठीक है, लेकिन आज सुबह ही वापस आ गए हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, दे वेंट टू अमेरिका बट विल रिटर्न नेक्स्ट वीक। अब यहां पर भी दो बातें हैं, एक बात है क्या वेंट और एक बात है क्या विल रिटर्न, ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान समझिए, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब अमेरिका जाना उनका पास्ट में था और वो फ्यूचर में लौटेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे आपको एक बात समझाई थी कि हम लोग जो है पास्ट के हिसाब से फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, हम लोग प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर की बात करते हैं, इसका मतलब अभी वो अमेरिका में, अभी वो लौटे नहीं हैं, ठीक है, इसका मतलब अमेरिका जाना उनका अभी प्रेजेंट से ही कनेक्टेड है, पास्ट की बात नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि अभी लौटे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विल रिटर्न, लौटेंगे, इसका मतलब अभी लौटे नहीं है, इसका मतलब अभी तक वो अमेरिका में ही हैं, समझ गए ना, तो ये चीज पास्ट की नहीं है, ये चीज किससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, और प्रेजेंट से कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर वेंट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, दे हैव गॉन टू अमेरिका। इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए आप सभी, ठीक है, ओके। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा होगा, देखिए अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि when he reached home he found that that someone broke into his house। चलिए देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, when he reached home he found that someone broke into his house। जब वो घर पहुंचा तो उसने पाया कि कोई उसके घर में सेंध लगा गया। ब्रेक इंटू जो है उसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक इंटू, ठीक है, ब्रेक इंटू का मतलब होता है किसी के घर में चोरी करना, सेंध लगाना, ठीक है ना। अब बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, और अगर इसमें गलती है तो इसमें क्या गलती है, ठीक है, चलिए बताइए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या गलती है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है क्या ही रीच्ड होम, और दूसरी क्या बात है ही फाउंड That someone broke into, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि क्या ये चीज़ें प्रेजेंट से कनेक्टेड हैं या पास्ट से कनेक्टेड हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ के इतना आइडिया तो लग गया कि इसमें जो है कोई भी चीज़ प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसका घर पे आना भी पास्ट में है और उसका ये पाना कि कोई चोरी कर गया ये भी पास्ट में है, ठीक है ना, चोरी करके वो घर में रुका नहीं रहेगा, इज दैट क्लियर। तो सारी सिचुएशन कब की है, पास्ट की है। अब when he reached home he found that someone broke into his house, इसका मतलब सारी सिचुएशन पास्ट की है। तो अब ऐसी सिचुएशन हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पास्ट है और कौन सा पास्ट से पहले का है, यानी पास्ट ऑफ पास्ट है, ठीक है। तो
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहले घर में चोरी हुई है कि पहले वो घर पहुंचा है, ठीक है, घर पे पहुंचा तभी उसने देखा ना कि घर में चोरी हो गई, राइट। इसका मतलब घर पे पहुंचना बाद में हुआ और चोरी होना पहले हो गया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जब दो बातें हो और दोनों ही पास्ट में हो, लेकिन एक जो है पास्ट से भी पहले का हो, तो जो पास्ट से पहले का हो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो इस सेंटेंस से आपके समझ में आ रहा होगा कि ये जो है रीच्ड होम, ये सेकेंड एक्शन है। सेकेंड एक्शन यानी कि ये बाद में घटित हुआ, चोरी होना, ठीक है ना, चोरी होना क्या हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम घर पहुंचने के बाद देखते हैं अरे घर में चोरी हो गया, पूरा लूट गया सब कुछ, तो ये क्या है, फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन है यानी ये पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए था, समवन हैड ब्रोकन इनटू, समझ गया मेरी बात को, समवन हैड ब्रोकन इनटू हिज हाउस, ठीक है। आइए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं अगला एग्जांपल आपको दूं कि द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी was very nervous. He never flew before. ठीक है ना। अब आपके सामने ये सेंटेंस है, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज वेरी नर्वस, ही नेवर फ्लू बिफोर। अब ये जो सेंटेंस है देखिए और बताइए कि इसमें कुछ गलती है क्या, अगर गलती है तो क्या है, सोचिए और बताइए। नहीं पता पड़ रहा है, ओके चलिए मैं बताता हूँ। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज वेरी नर्वस, यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज यानी कौन सा टेंस हो गया, वॉज यानी हो गया ये पास्ट इन्फिनिट टेंस, ठीक है, यानी पास की बात है, और फिलहाल ये भी पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो दोनों चीज़ें कब किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये भी है पास्ट में, ये भी पास्ट में है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज वेरी नर्वस, मेरे सामने जो मेरे बगल में जो आदमी बैठा था वो क्या था, काफ़ी नर्वस था, ठीक है। अब नर्वस क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, ही नेवर फ्लू बिफोर, पहले कभी उड़ा नहीं था, समझ गए ना, यानी शायद फ्लाइट वाइट में बैठने की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने पे अधिकांश लोगों को डर लगता है, ठीक है, मुझे भी लगा था। तो ही नेवर फ्लू बिफोर, तो ये चीज़ जो है इस मूमेंट से पहले की बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम तो अब वो उड़ ही रहा है, लेकिन उस सिचुएशन से पहले वो जो नर्वस है उस सिचुएशन से पहले वो कभी उड़ा नहीं था, यानी ये जो चीज़ है फ्लाई होने की बात हो रही है ये इस सिचुएशन से पहले की है, ठीक है। जब मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब दो बातें पास्ट में लिखी हों तो हमें उसमें ये देखना चाहिए कौन सा पास्ट है और कौन सा उस पास्ट से पहले का है, तो ये सिचुएशन है इस पास्ट से पहले का है, यानी ये पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, यानी यहाँ पर होना चाहिए हैड फ्लोन। इसी तरीके से आप लोग एरर चूज करेंगे, एरर पकड़ पाएंगे, समझ गए ना, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने आप एरर समझ में आने लगेगा। और एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से एकदम क्लैरिफाई नहीं हो जाता तब तक हम लोग एग्जांपल्स इस पे लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है, इसी तरह के एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से समझाता हूँ, जब आप अच्छे समझ जाते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े सेंटेंसेस में हम लोग उनका यूज़ देखते हैं। फिलहाल अगला एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ क्या कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई वॉजंट हंग्री,
ठीक है ना, आई वॉजंट हंग्री, आई हैड माय लंच। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, और इसी के कंपैरिजन में एक दूसरा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ क्या, आई एम नॉट हंग्री, I just had my lunch, और एक थर्ड सेंटेंस में दे रहा हूं, I had lunch, और फोर्थ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम हंग्री सो I have my lunch. Here I have written four sentences. ठीक है ना? हर सेंटेंस को आप पढ़िए और मुझे बताइए किस सेंटेंस में क्या गलती है। सारे सेंटेंसेस एक जैसे ही हैं लगभग लगभग, बस थोड़ा बहुत इधर उधर है ना? बताइए, कुछ पल्ले पड़ रहा है? अगर पल्ले पड़ रहा है तो पहले सेंटेंस बताइए क्या गलती है। शाबाश। देखो, यहां पर दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस किस में है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, पहले सेंटेंस में क्या है? वाजंट। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? हैड। ठीक है, हैड के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आया, इसका मतलब ये भी पास्ट इन्फिनिटिव में है, और यहाँ पे वॉज आया है मेन वर्ब के रूप में, तो ये भी क्या है? पास्ट टेंस में है, पास्ट इन्फिनिटिव टेंस में है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सेंटेंस सही है? ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। इसमें गलती क्या है? अब आइए वो समझते हैं। आई वॉजंट हंग्री, ठीक है ना, मैं भूखा नहीं था। जैसे सपोज ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है ना, पास्ट में जैसे कि एक घंटे पहले आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये लो बर्गर खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, तो आपने कहा नहीं यार मुझे भूख नहीं है, मैं अभी खाना खा के आ रहा हूँ घर से। तो अगर हम कुछ खा के पहले से पेट भर लिए हैं तो कोई आपको ऑफर करेगा तो आप मना कर देते हो, राइट? तो द सेम सिचुएशन इज हियर, बट द सिचुएशन इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, सिचुएशन कब की है? पास्ट टेंस रिलेटेड है, पास्ट टेंस में है, पास्ट की बात है ये। तो अगर ये पास्ट की बात है, आपको भूख नहीं लगी थी, तो भूख क्यों नहीं लगी थी? क्योंकि आपने पहले कुछ खा लिया होगा। तो इसका मतलब जो पहले खाना हुआ ये इस सिचुएशन से पहले हुआ, जब आपने किसी को बताया कि आपको भूख नहीं है, तो उस सिचुएशन से पहले ही आप खाना खा लिए थे। तो अगर ये पास्ट की बात है तो ये जो बात है आई हैड माई लंच, ये उस चीज़ से पहले हो गया, यानी पास्ट से पहले हो गया। तो अगर ये पास्ट से पहले हो गया तो क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। पास्ट ऑफ पास्ट कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सिर्फ हैड आए उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ना आए तो पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इन्फिनिटिव टेंस होता है। ठीक है ना, यहाँ हैड के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है क्या? नहीं। तो अब इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट में हम कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे आई हैड हैड, क्या लिखेंगे? आई हैड हैड माई लंच, समझ गए ना? I had had my lunch, जो पहला had है वो helping verb है, और जो दूसरा had है वो have यानी खाने पीने। अगर आपको याद हो present continuous tense पढ़ाते समय मैंने आपको have के बारे में बताया था ना, have की दो meaning होती है, एक तो meaning होती है possess या own, और दूसरी meaning क्या होती है? eat, drink, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो had है वो eat, drink, ये जो second वाला had है, ठीक है ना, ये eat या drink से related है, is that clear? तो आई हैड हैड माई लंच, ये हो जाएगा आपका सही सेंटेंस, समझ गए? ओके, नेक्स्ट, आई एम नॉट हंग्री, आई जस्ट हैड माई लंच, मैं भूखा नहीं हूं, मैंने अभी अपना लंच किया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी दो सेंटेंस है,
सेंटेंस ऊपर वाले के जैसा है लेकिन वहां पास्ट टेंस था, यहाँ पे क्या लगा हुआ एम, एम यानी कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आई जस्ट हैड माई लंच, ठीक है ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इन्फिनिट टेंस में हो गया। भाई जैसे किसी ने अभी आपसे पूछा है, ठीक है प्रेजेंट में, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ लो बर्गर खाओ, तो आप क्या बोलते हो, नहीं यार मुझे भूख नहीं है, आई बात समझ में, तो क्यों भूख नहीं है, क्योंकि अभी आप खाकर आए हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन प्रेजेंट की है और ये सिचुएशन भी फिर प्रेजेंट से ही कनेक्टेड है, ये पास्ट की बात नहीं। अगर आपने पास्ट में खाया होता तो इस समय शायद आपको भूख लग गई होगी, समझ गए, तब तो आप खा लोगे। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब अभी अभी आप खाकर आए हो, समझ गए ना, यानी ये सिचुएशन भी कब की है, प्रेजेंट की है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट की है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई हैव जस्ट हैड, आई हैव जस्ट हैड, ये होगा सही सेंटेंस और ये होगा रॉन्ग सेंटेंस। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे अभी आप खाना खाकर आए हो और मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, तो आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैंने आपसे भी कहा लो ये खा लो, तो आपने क्या कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है मैं खाकर आया हूँ, ठीक है मैंने खाना खा लिया है, इज दैट क्लियर। तो सिचुएशन दोनों ही कब की है, प्रेजेंट की है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ मुझे भूख नहीं है, क्यों भूख नहीं है, क्योंकि मैं खाना खाकर आया हूँ, तो ये सिचुएशन भी कब की है, प्रेजेंट की ही है, खाना खाकर आना, समझ गए ना। तो अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो और अगर वो प्रेजेंट से कनेक्टेड हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव जस्ट हैड, ठीक है। अब चलिए इस थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, आई वॉज हंग्री सो आई हैड माई लंच, बताइए, आई वॉज हंग्री सो आई हैड माई लंच, ठीक है। अब यहाँ पर भी दोनों सेंटेंसेस कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस इन्फिनिट टेंस में है, यहाँ पर लगा हुआ है वॉज, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ हैड, तो बताइए सही है गलत है, शाबाश कोशिश करो। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप में से कई बच्चों को गलती लग रही होगी, सोच रहे होंगे यहाँ पे सो आई हैड हैड माय लंच, मतलब इसके जैसा ऊपर वाले के जैसा होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसके पीछे कारण है, ठीक है, ये भी पास्ट का है, ये भी पास्ट का है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सिचुएशन है उससे पहले का नहीं है बल्कि उसके बाद का है। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, तो भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगा, जाके खाना खाऊंगा ना, कि खाना पहले खा चुका हूँ तब मुझे भूख लगेगी। अगर आप इसको हैड हैड बनाते इसका मतलब खाना पहले खा चुका हूँ और उसके बाद में मुझे भूख लगी, इज इट पॉसिबल, नहीं ना भाई, भूख लगती है तब जाकर हम खाना खाते हैं ना, मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो यहाँ पर सिचुएशन पास्ट की है और यहाँ पर सिचुएशन कब की है, उसके बाद की, ठीक है। आदमी को भूख लगता है तो तुरंत जाके कुछ खा लेता है, समझ गए ना। तो जब दो कंसेक्यूटिव एक्शन हो तो एक पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, पास्ट में ही, यानी पास्ट इनफिनिट में ही, एक के बाद एक अगला जो घटना हो रही तो सारे सेम टेंस में लिखे जाएंगे, समझ गए ना। एक घटना के बाद जो दूसरी घटना होती है कंटिन्यू, तो वहाँ पर दोनों सेम टेंस में लिखे जाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर पास्ट इन्फिनिट टेंस में है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पास्ट इन्फिनिट टेंस है और ये सेंटेंस क्या है, सही है। यहाँ पे हैड हैड मत लगाना, हैड हैड लगा दोगे तो इसका मतलब ये चीज़, खाना तो आपने पहले खा लिया और उसके बाद आपको भूख लग गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है किसी को, है ना। अगला देखिए, आई एम हंग्री सो आई हैव माई लंच, ठीक है। चलिए बताइए इस सेंटेंस में कुछ गलती है, शाबाश बताइए। आई एम हंग्री सो आई हैव माई लंच। देखिए अभी दोनों सेंटेंसेस को अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर वाले सेंटेंस अगर आप मैच करोगे तो आपको लगेगा सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे वॉज आया था, वहाँ पे हैड आया था, तो सेंटेंस वो सही हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पे एम आया है, वहाँ पे हैव आया, तो ये सेंटेंस भी सही हो जाए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कब की है, प्रेजेंट की, आई एम हंग्री, अभी भूख लगी है मुझे। अब अगर भूख लगी है तो क्या करूँगा, मैं जाकर खाना खाऊँगा, ठीक है। और सो आई हैव माई लंच, अगर मैं ये लिखता हूँ सो आई हैव माई लंच, इसका मतलब ये हो गया कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं उसके बाद अगर कुछ खाना खाने की बात करूँगा तो वो या तो खाना खाने का बाद खाना खाने का काम क्या होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए, समझ गए ना। तो इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं कहूँगा या तो मैं खाने जा रहा हूँ या फिर मैं खा रहा हूँ,
समझ गया ना, मुझे भूख लगी इसलिए मैं खा रहा हूँ, या फिर मुझे भूख लगी इसलिए मैं खाने जा रहा हूँ। तो हेयर टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, समझ गए ना। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी कैन करेक्ट इट इन टू टू वेज। हम इसको दो तरीकों से करेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज इफ आई एम हंग्री सो आई एम ईटिंग समथिंग, ठीक है ना, मुझे भूख लगी इसलिए मैं खा रहा हूँ, तो वॉट आई कैन डू, आई कैन मेक इट आई एम हैविंग, ठीक है, मैं इसे क्या बना सकता हूँ, मैं खा रहा हूँ, सो आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है ना। लेकिन मान लो अभी खा नहीं रहा हूँ, भूख लगी है और अब खाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे कर सकता हूँ, एक चीज़ और लिख सकता हूँ, सो आई एम गोइंग टू हैव, ठीक है ना, सो आई एम गोइंग टू हैव, ओके। इस तरीके से इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं समझ में आई हो तो फिर से देखिए इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अगला, आगे क्या है, एग्जाम्पल से दे रहा हूं मैं इन्हीं सब चीजों पर। अगला एग्जाम्पल है, द रूम वॉज डर्टी, सॉरी, द रूम वॉज डर्टी, द रूम वॉज डर्टी, रूम क्या था, गंदा था, ठीक है ना। Nobody nobody cleaned it for weeks, एक दूसरा सेंटेंस है, the room is dirty nobody cleaned it for weeks, ठीक है ना, nobody cleaned it for weeks, और the room is dirty so he cleans the room। देखिए आपके सामने तीन सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अब यहां पर आपका जो है टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कि लास्ट एग्जांपल्स के थ्रू आप जो है अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ओके, द रूम वॉज डर्टी नोबडी क्लीन्ड इट फॉर वीक्स, पहले सेंटेंस को देखिए, यहां पर दो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है द रूम वॉज डर्टी पास्ट इन्फिनिटेंस में, और दूसरा भी क्या लिखा हुआ है, नोबडी क्लीन्ड इट, ये भी पास्ट इन्फिनिटेंस में है, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि क्या यहां पे दोनों बातें सही हैं, ठीक है, तो द रूम वॉज डर्टी, कमरा गंदा था, ये सिचुएशन कब की हो गई, पास्ट की हो गई, समझ गए ना, राइट। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं जिस रूम में आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए कमरा गंदा है, ठीक है, तो कमरा गंदा है, इसका क्यों गंदा है, इसका मतलब किसी ने इसको कभी साफ नहीं किया, पिछले कई दिनों से किसी ने इसको साफ नहीं किया, तो जो साफ करने की बात होगी, कमरे को साफ करने की जो बात होगी, वो इस सिचुएशन से पहले की होगी, समझ गए ना। अब उसी चीज को यहां पर अप्लाई करिए, द रूम वॉज डर्टी, ये सिचुएशन कब की हो गई, पास्ट की हो गई, ठीक है ना, तो ये सिचुएशन पास्ट की हो गई, तो उसके साफ करने की बात उस मूमेंट से पहले की होगी, यानी ये चीज क्या हो जाएगी, पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगी, और अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, यानी पास से पहले, तो जो चीज पास से पहले या पास्ट ऑफ पास्ट होती है, किसमें लिखी जानी चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, यानी यहां पर क्या लिखना चाहिए, नोबडी हैड क्लीन्ड इट फॉर वीक्स, तभी तो पास्ट में उसको गंदा दिखा, भाई पहले साफ नहीं किया था तभी तो बाद में गंदा दिखा, राइट, ओके। जैसे मैं तीन चार दिन अगर इस कमरे को साफ ना करवाऊं तो क्या होगा, थ्री फोर डेज के बाद ये कमरा गंदा दिखने लगेगा, तो पहले साफ नहीं किया गया है तब गंदा दिखेगा ना, राइट। तो इसका मतलब अगर ये सिचुएशन पास्ट की है तो ये साफ करने की बात उससे पहले की हो गई, किसी ने उसको हफ्तों से साफ नहीं किया तभी तो उस समय वो गंदा दिखा,
तो ये चीज़ पास्ट ऑफ पास्ट है, इसलिए किस में लिखा जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। अगला, द रूम इज डर्टी, नोबडी क्लीन इट फॉर वीक्स। नाउ यू कैन सी हेयर आई हैव यूज्ड इज यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और यहाँ पर क्या लिखा है, नोबडी क्लीन इट, ठीक है, किसी ने उसको अब तो साफ नहीं किया। इसका मतलब ये चीज़ पास्ट की हो गई, तब तो इस समय रूम साफ होना चाहिए। अगर ये चीज़ पास्ट की है तो इस समय रूम गंदा नहीं होना चाहिए, रूम साफ होना चाहिए। लेकिन इस समय रूम गंदा है, इसका मतलब साफ करने की बात भी प्रेजेंट से कनेक्ट है, पास्ट से कनेक्ट नहीं है। अगर पास्ट से कनेक्टेड होता तो सेंटेंस ऐसे लिखा होता, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे इज आ गया, इसका मतलब रूम अभी गंदा है, इसका मतलब कई दिनों से किसी ने इसको साफ नहीं किया है, तो अभी वो प्रेजेंट के मूवमेंट में है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए, यानी नोबडी हैज क्लीन्ड इट फॉर वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट, द रूम इज डर्टी सो ही क्लीन्स द रूम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ दोनों ही जगह मैंने प्रेजेंट डिफरेंट टेंस यूज किया है। रूम इज डर्टी, कमरा गंदा है, कमरा गंदा है तो क्या होगा, सो ही क्लीन्स द रूम, इसका इसलिए वो कमरा साफ करता है। ये प्रेजेंट डिफरेंट में हो गया, यानी परमानेंट सिचुएशन, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। कमरा गंदा है तो कोई कमरा साफ कर रहा होगा या फिर साफ करने जा रहा होगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो लिखना चाहिए सो ही इज क्लीनिंग, कमरा गंदा है इसलिए साफ कर रहा है, एक तो ये आंसर इसका पॉसिबल है, या फिर इसका दूसरा आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है, सो ही इज गोइंग टू क्लीन। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से इस तरह के एग्जांपल्स को हमें देखना होता है, ठीक है ना। आगे और एग्जांपल लेता हूँ, जब तक आप अच्छे से समझ नहीं जाएंगे तब तक मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है, जैसे अगर ये कहा जाए क्या, हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन, ठीक है ना, हु इज दैट मैन, आई सॉ हिम बिफोर बट आई डोंट remember his name, ठीक है। एक सेंटेंस ये है, और एक दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, Who was that man? Who was that man? I saw him before. I saw him before. But I didn't remember his name. एक दूसरा सेंटेंस ये है, चलिए बताइए, शाबाश, कोशिश करिए। हु इज दैट मैन, कौन है वो व्यक्ति, I saw him before, but I don't remember his name. अगर इस सेंटेंस को आप बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर इज आया हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, इज आया हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे saw आया हुआ है उसका सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इनफिनिट टेंस, और आगे भी क्या है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। इसका मतलब ये सिचुएशन कब की है, प्रेजेंट की है। ये सिचुएशन कब की है, प्रेजेंट की है। कौन है वो आदमी, इसका मतलब वो आदमी मेरे सामने अभी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं उससे पहले मिलने की बात अगर मैं करूँगा तो वो सिचुएशन भी कब की होगी, प्रेजेंट की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, यहाँ पे आई सॉ लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई हैव सीन हिम बिफोर, मैं पहले उससे मिला हूँ लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आता, समझ गए ना, इज इट क्लियर। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, हु वॉज दैट मैन, अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉ, तो दोनों ही चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये सिचुएशन कब की है, पास्ट की है, और उससे मिले होने की बात कब की है, उस मोमेंट से पहले की है। भाई वो आदमी कौन है, पहले मिला हूँ
ठीक है, पहले मिला हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिचुएशन, वो अगर पास्ट में है तो ये सिचुएशन पास्ट ऑफ पास्ट हो गई। अब अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गई तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, क्योंकि मिलने की बात उस मूवमेंट से पहले की है ना, राइट। लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कि कौन है वो, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई हैड सीन हिम बिफोर, पहले उससे मैं मिला तो, सॉरी हैड आएगा यहाँ पे, मैंने गलती से हैज लिख दिया है, ठीक है ना, हैड, ठीक है, आई हैड सीन हिम बिफोर बट आई डिडंट रिमेंबर हिज नेम, समझ गए, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें बदलाव करते हैं कि कहाँ पे पास्ट इनफिनिट टेंस आएगा, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। बहुत ही केयरफुल्ली इस जो है चीज़ को आप पढ़िए, ठीक है, एक बार न समझ में आए तो दोबारा पढ़िए, फिर भी न समझ में आए तो क्वेश्चंस रेज करिए, आपको पूरे डिटेल में डाउट्स के ऊपर आंसर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिचुएशन प्रेजेंट से कनेक्टेड होती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो पास्ट ऑफ पास्ट शो कर रहा होता है, समझ गए ना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से, देखिए ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द, और इसके साथ क्या लिखा होगा, ओनली, या फिर लास्ट, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या लिखा होगा, टाइम, और फिर यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगा हो सकता है, और उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसमें ये है कि इसकी जगह क्या हो जाता है, वॉज, दिस वॉज द, और उसके साथ क्या लगा होगा, वही सेम चीज, ओनली, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डैश डैश डैश, प्लस टाइम, और दैट कंजंक्शन लगाकर हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, समझ गए मेरी बात को। ये रूल है, अब इसके ऊपर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करेंगे, तो एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, दिस इज द थर्ड टाइम दैट ही हेल्प्ड मी, ठीक है। आपको इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देखिए यहाँ पे आया है दिस इज द थर्ड टाइम, ठीक है ना, ये आपका दैट कंजंक्शन आ गया, और उसके बाद आपने लिखा ही हेल्प्ड, और यहाँ पर हेल्प्ड आ गया पास्ट इनफिनिट टेंस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सेंटेंस सही है गलत है, तो ये सेंटेंस गलत है। अगर आपको रूल पता है तो सेंटेंस सीधा सीधा आप देख के बता दोगे कि सेंटेंस गलत है, यहाँ पर ही हेल्प्ड नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों आना चाहिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब किसी एक्शन के पूरा हो जाने की बात होती है, लेकिन वह जो है प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है, प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड होता है। तो अब सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे किसी ने आपकी कई बार मदद की है, मान लीजिए तीसरी बार मदद की है उसने आपकी, तो तीन बार वो मदद कर चुका है, तब आप एक बात किसी को बताएंगे ना, भाई तीन बार मदद करने का काम पूरा हो चुका है, तब बताएंगे ना कि उसने मेरी तीन बार मदद की है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे दिन भर में आप तीन बार खाना खाए हैं, तो आप तीन बार खाना खा चुके हो, तब तो आप जाकर बताओगे किसी को, आज मैंने दिन भर में तीन बार खाना खाया, समझ गए ना। चार कप चाय अगर आपने पी है, तो आपने चार कप चाय पी लिया है, तब तो आप किसी को कहोगे आज मैंने चार कप चाय पी है, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये एक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तब ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए कि ये सिचुएशन कब की है, प्रेजेंट की है,
तो अगर प्रेजेंट किया है तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट से कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम पूरा हो चुका है लेकिन प्रेजेंट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हैज हेल्प्ड। समझ गए मेरी बात को? हैज हेल्प्ड। अच्छा, अब सेम एग्जांपल में मैं टेंस चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि दिस वॉज द थर्ड टाइम दैट ही हेल्प्ड मी। बताइए, दिस वॉज द थर्ड टाइम दैट ही हेल्प मी। शाबाश, कोशिश करिए। तो दिस वॉज द थर्ड टाइम दैट ही हेल्प मी, ये सेंटेंस क्या है? ये भी गलत है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि अगर मैं किसी को ये बता रहा हूँ कि उसने 3 बार मेरी मदद की है, तो इसका मतलब 3 बार मदद हो चुका है, तब तो मैं जाके बताऊँगा किसी को, यानी मदद होने का काम पहले हो चुका है। अब ये सिचुएशन जो बताने की बात है कि वो 3 बार मेरी मदद कर चुका है, ये सिचुएशन कब की है? ये सिचुएशन है पास्ट की। अब अगर ये सिचुएशन पास्ट की है तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो हुआ ये इससे भी पहले का हुआ, इससे भी पहले का हुआ, तो यानी कौन से टेंस में होना चाहिए था? पास्ट ऑफ पास्ट में होना चाहिए था, पास्ट ऑफ पास्ट में होना चाहिए था, यानी यहाँ पे ही हैड हेल्प्ड, ये होगा आपका सही सेंटेंस। समझ गए मेरी बात को? तो इन तरीकों से आप पहचान पाओगे कि कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से आप सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला आगे क्या है कि कई पीछे मैंने आपको बताया था दिस टाइम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? दिस टाइम। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भाई ये जो दिस टाइम होता है ये इस समय की बात करता है। ठीक है, अगर इसके साथ कोई और टाइम नहीं लगा है तो ये जो है कब की बात करता है? प्रेजेंट की बात करता है। अगर इसके साथ पास्ट टाइम लग गया तो इसका मतलब ये पास्ट की बात करता है। ठीक है, और कुछ फ्यूचर का लग गया तो फ्यूचर की बात करता है। ऑलराइट, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं सिर्फ दिस टाइम नहीं, इसके साथ हम एक चीज और लगाते हैं, क्या? बाय दिस टाइम। ठीक है ना, ओके, बाय दिस टाइम। और अगर इसके साथ कोई पास्ट टाइम आता है, बाय दिस टाइम के साथ क्या आता है? कोई पास्ट टाइम। समझ गए ना? तो इसके साथ जो सेंटेंस आएगा वो किसमें होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्यों होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट वही है पास्ट ऑफ पास्ट वाला। ठीक है, कहीं पर भी अगर मैं पास्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा तो हमेशा वही कॉन्सेप्ट आएगा पास्ट ऑफ पास्ट का। समझ गए ना? ओके, समझते हैं कैसे। जैसे कि और एक स्ट्रक्चर और है, ठीक है ना, एक ये स्ट्रक्चर है और एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है, आ जाए क्या? बाय द एंड ऑफ, और इसके साथ क्या आ जाए? कोई पास्ट टाइम आ जाए, तो वहां पर भी क्या यूज किया जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। ठीक है ना, अब सवाल उठता है कि क्यों किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस? तो जवाब उसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो जो एक्शन हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में वो पास्ट ऑफ पास्ट होगा। ठीक है, कैसे? एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं क्या, बाय दिस टाइम यस्टरडे। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, बाय दिस टाइम यस्टरडे राम कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है, और इसमें आपको करेक्शन करना है। ठीक है, तो करिए, बताइए क्या हो जाएगा? बाय दिस टाइम यस्टरडे राम कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस। बताइए एरर।
तो अब अगर आप रूल को पकड़ के चलेंगे तो आप ये बताएंगे कि सर यहाँ पे बाय दिस टाइम यस्टरडे आ गया है, बाय दिस टाइम आ गया है और यस्टरडे पास्ट टाइम है, तो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, यानी यहाँ पे कंप्लीटेड जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है ये गलत है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैड कंप्लीटेड। ठीक है, तो चलिए हैड कंप्लीटेड हम लिख देते हैं, लेकिन ये तो रटने वाली बात हो गई। ठीक है, कि मैंने रूल लिख दिया और आपने उस रूल को जो है एज इट इज रट के यहाँ पर बना दिया, क्योंकि सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है और सामने रूल भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको समझने की बात करते हैं, तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, अब यहाँ समझियो किस तरीके से पास्ट ऑफ पास्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय दिस टाइम यस्टरडे, तो इस समय की बात हो रही है और कल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई क्या पास्ट की, तो कल इस समय, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाय। एक चीज़ हमेशा समझ जाइए, बाय एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। ठीक है ना, बाय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। ठीक है, एक है बाय और एक है टिल। ठीक है, इनके हिसाब से टेंस में इनका यूज होता है। किस तरीके से होता है, बाय जो होता है ये किसी चीज की लिमिट बताता है, क्या बताता है लिमिट। ठीक है ना, लिमिट ऑफ टाइम मीन्स जो भी एक्शन है, ये जो लाइन है वो क्या दिखा रहा है, ये लाइन जो है वो एक्शन को दिखा रहा है, समझ गए ना। तो जो भी एक्शन है वो इस लिमिट में क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, इज इट क्लियर, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, बाई जो होता है वो दिखाता है लिमिट ऑफ टाइम। ठीक है, आगे जब हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे ही, कि बाई जो शो करता है वो लिमिट ऑफ टाइम शो करता है। लिमिट ऑफ टाइम का मतलब वॉट एवर टाइम हैज बीन मेंशनड इट इज लिमिटेड। ठीक है ना, द एक्शन कांट गो बियॉन्ड दैट टाइम लिमिट, गॉट माई पॉइंट। तो वही चीज यहां पर है, जब मैं ये बोलता हूँ बाय दिस टाइम यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या हो गया, लिमिट हो गया, समझ गए ना। यानी इस समय यस्टरडे तक, सपोज इस समय जो भी टाइम हो रहा हो, जैसे कि इस समय कितना बज रहा है, इस समय बज रहा है सपोज 2:40, तो 2:40 जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो भी एक्शन है वो इससे पहले क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन दिखाता है एक्शन को और ये हो गया लिमिट ऑफ टाइम, द एक्शन कांट गो बियॉन्ड दिस लिमिट ऑफ टाइम। ओके, तो ये चीज हो गई, तो इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए था, काम के पूरा होने की बात हो जाएगी, काम के पूरा होने की बात हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये चीज आपके समझ में आ गया हो, तो यहां पर देखिए बाय दिस टाइम यस्टरडे, ये हो गया लिमिट यस्टरडे और ये हो गया एक्शन, एक्शन यही इसके पहले पूरा हो जाना चाहिए, तो यानी ये जो चीज है इस चीज से पहले की बात हो रही है, उस चीज से पहले की बात हो रही है, तो क्या हो गया पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, इसीलिए उसको हमने किस में लिख दिया, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, थोड़ा सा टिल के बारे में भी समझ लीजिए, हालांकि यहाँ पे अभी टिल का एग्जांपल नहीं है, आगे दूंगा और आगे आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पे भी आएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसके बारे में। टिल जो है ना वो कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ठीक है ना, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, इसलिए वहाँ पे ये जो लाइन है वो एक्शन शो कर रहा है कंटिन्यू, इसलिए वहाँ पे जनरली हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, इज इट क्लियर। ओके, जैसे अगर यहाँ पे बाई की जगह दिस आ जाता है टिल दिस टाइम यस्टरडे, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वॉज कंप्लीटिंग प्रेजेंट टेंस, समझ गए ना, ये चीज़ है। फिलहाल इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए कैसे, जैसे अगर ये कहा जाए क्या, बाय द एंड ऑफ मार्च 2018, बाय द एंड ऑफ मार्च 2018 ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, बताइए राइट है कि रॉन्ग है। तो बताइए, देखिए बाय द एंड ऑफ मार्च 2018, अब यहाँ पर 2018 है प्रेजेंट की बात तो है नहीं, 2020 चल रहा है, तो मार्च 2018 क्या हो गया, पास की बात हो गया। ठीक है, और बाय के मतलब मैं आपको बता दूंगा कि वो लिमिट ऑफ टाइम शो कर रहा है, यानी मार्च 2018 इज द लिमिट ऑफ टाइम, और यहाँ पे जिस एक्शन की बात हो रही है ग्रेजुएशन की,
पूरा होने की, वो उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता, उससे पहले ही पूरा होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास्ट इन्फिनिटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ क्या है कि आप पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि ये चीज़ इस टाइम लिमिट से पहले की है ना, और ये टाइम लिमिट पास्ट की है, तो ये चीज़ कब की हो गई, इससे पहले की हो गई, इससे पहले की हो गई, यानी कौन सा टेंस होना चाहिए था वहाँ पे, हैड फिनिश्ड, क्या होना चाहिए था, हैड फिनिश्ड, समझ गए, ये होगा आपका सही सेंटेंस और ये होगा रॉन्ग सेंटेंस, समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ, कहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हमें सिंस और फॉर जैसे कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसको, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, यहाँ पर हैज़ हैव आएगा और उसके साथ बीन आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, पहले भी बता चुका हूँ। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हैड आएगा, बीन आएगा और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं किसी दिए हुए सेंटेंस में, ठीक है। अब इनका यूज़ क्या होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आप सभी जानते हैं कि इसमें दो टेंस आते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो अलग अलग टेंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में आते हैं। और परफेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, काम के पूरा होने की बात करता है, और कंटिन्यूअस का मतलब वो एक्शन चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें दिखाते हैं, काम पूरा भी हो गया है और जिस काम की बात हो रही है वो जिस समय बात कही गई उस समय चल भी रहा है। जैसे कि मैं कहूँ मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो एक घंटा पढ़ाने का काम पूरा हो चुका है और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, टू यूज क्या है इनका, टू शो एक्शन विच इज पार्टली कंप्लीटेड and partly continue, जो ठीक है ना, ऐसे एक्शन के बारे में जो कुछ समय के लिए पूरा हो गया हो और जिस समय बात कही गई उस समय वो कंटिन्यू हो, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि फिर कंटिन्यूअस टेंस में और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर टाइम मेंशन होता है, ठीक है ना, क्या मेंशन होता है, कोई टाइम, कितने समय से या कब से वो काम चल रहा है। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो जनरली फिर कुछ और हिंट दिया होगा जिससे आपको पता चले कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई हिंट या टाइम मेंशन नहीं है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी समझना है, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो है टाइम मेंशन होता है, तो टाइम जो मेंशन किया जाता है वो दो प्रपोजिशन सिंस और फॉर के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए सिंस और फॉर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ओके। देखिए, सिंस जो होता है एक कौन कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है इसको समझ लीजिए। सिंस यूज़ किया जाता है किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तीन तरह के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर परफेक्ट की बात होगी तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा है क्या, फॉर, ठीक है। फॉर, फॉर कहाँ यूज किया जाता है, फॉर जो है ये इनडेफिनिट टेंसेस परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। इन तीनों ही टेंसेस में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट लिखता हूं तो वह क्या है, एक्सक्लूसिव है, लेकिन यहां पे इनडेफिनिट टेंसेस वो एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी वो तीनों ही इनडेफिनिट टेंस में यूज किया जा सकता है। परफेक्ट टेंसेस भी कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी वो तीनों ही परफेक्ट टेंसेज में यूज किया जा सकता है, और इसी तरीके से तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में फॉर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो सिंस है, ठीक है ना, ये जो सिंस है ये शो करता है पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम क्या होता है, ठीक है, अगर इसको मैं टाइमलाइन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई टाइमलाइन है, ठीक है ना, ये टाइमलाइन, एक मिनट, मान लीजिए ये कोई टाइमलाइन है, ठीक है, ये समय का कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, फिलहाल हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी इस समय मान लीजिए 3 बज रहे हैं, तो 3 क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया ना, 3 PM, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 12 AM, ठीक है, 4 AM, ये सभी क्या है, पॉइंट इन टाइम है, समझ गए ना। ओके, समय तो चलता जा रहा है, लेकिन उस चलते हुए समय में हमें एक पॉइंट जो बताए, अब ये किसी भी तरह का समय हो सकता है, 3 PM, 4:12 AM, 4:30 PM, ठीक है, या AM, whatever, या फिर कोई पर्टिकुलर दूसरा पॉइंट हो सकता है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी क्या है, पॉइंट है ना, ठीक है, जनवरी फरवरी 2020, इस तरह के जो भी वर्ड्स, जो भी वर्ड्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको हम पॉइंट इन टाइम कहते हैं, पॉइंट, ठीक है ना। और फॉर की बात अगर हम करें तो ये जो फॉर होता है ये क्या बताता है, पीरियड, पीरियड या लेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ टाइम, समझ गए ना। कैसे, इसको भी एक टाइमलाइन के माध्यम समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपका टाइमलाइन है, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या कहा कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 10 बजे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, और 1 घंटा हो गया कहाँ पे, ठीक है, 1 घंटा हो गया यहाँ पे 11 AM, ठीक। तो ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है वो क्या है, क्या है, वो है लेंथ, ये टाइम का लेंथ हो गया ना। अब मैं सिर्फ 10 AM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 11 AM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पूरे लंबाई की बात कर रहा हूँ, उस पूरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं ना, भाई हमारे स्कूल टाइम में हमारे जो है 6 पीरियड होते थे, कॉलेज टाइम में भी हमारे जो है 5 पीरियड होते थे, तो 6 पीरियड 5 पीरियड, ये पीरियड वर्ड कहाँ से आया, पीरियड वो उस टाइम गैप को बता रहा है ना कि भाई इतने बजे शुरू हुआ इतने बजे ख़त्म हुआ, तो उनके बीच का जो इंटरवल है, जो गैप है, उसी गैप को, ये जो गैप है ये हो गया, ये यहाँ हो गया 11, और ये जो गैप है ये लंबाई हो गई ना, इसी को हम क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे या लेंथ कहेंगे, समझ गए मेरी बात को। तो इस तरह का कोई भी वर्ड जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वह क्या होता है, पीरियड या लेंथ होता है, जैसे कि 1 hour 2 hour 3 hour, 1 day 2 day 3 days 4 days, 1 week 2 weeks 4 weeks 4 months 5 months 5 years, समझ गए ना, राइट। तो इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियड या लेंथ ऑफ टाइम कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंस का यूज़ पॉइंट इन टाइम के साथ और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, ठीक है। अब फिर भी मैं आपको जो है इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से कहां पर हम किस तरह के टाइम के साथ सिंस का यूज़ करते हैं और किस तरह के टाइम के साथ हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं,
ऑलराइट। तो आइए मेरे साथ नोट कर लीजिए आप सभी। देखिए मैंने कहा सिंस का यूज पॉइंट इन टाइम के साथ, तो वो पॉइंट इन टाइम किस तरह के हैं देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए मेरे साथ जल्दी से। सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं पॉइंट पॉइंट यानी जैसे मैंने कहा 2 AM, ये क्या हो गया पॉइंट हो गया, या फिर मंडे, ठीक है, या फिर 31 जुलाई, या फिर 2019। ऑलराइट, सिंस जैसे मैं कहूँ इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। सिंस हिज बर्थ, कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पैदा हुआ होता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पॉइंट इन टाइम है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ क्या, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, इस तरह का वर्ड आ जाए, ठीक है ना। या फिर कहा जाए सिंस ही वेंट टू ऑफिस, या सिंस हिज अराइवल, कोई कहीं पर आया कहीं पर जाता है, तो वो एक क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट होता है टाइम का। तो इन सभी जैसे वर्ड्स के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए सिंस, क्योंकि ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से सिंस के साथ नेक्स्ट या लास्ट लगाकर कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है ना, अगर आता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक। अब आइए फॉर के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। फॉर के साथ हम लोग पीरियड लगाते हैं, ठीक है। फॉर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम किस तरह का होता है वो देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ सिंस 2 सेकेंड्स, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स। 2 इज अ सिम्बॉलिक नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, एनी, ओके। 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, मंथ्स, ठीक है ना, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, अ लॉन्ग टाइम, ईयर्स, एजेस, समझ गए, सेंचुरीज, कोई नंबर ना आके सिर्फ ऐसे भी आ सकता है, फॉर सेंचुरीज, फॉर डिकेड्स, समझ गए, फॉर ईयर्स, फॉर एजेस, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह के जो भी वर्ड हैं ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या आएगा, फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और फॉर का प्रयोग हम लोग द लगाकर नेक्स्ट या लास्ट लिखेंगे और उसके साथ कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो ये दोनों रूल किसके लिए हो गए भाई, फॉर के लिए हो गए। तो इसको आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इनके ऊपर एग्जांपल्स हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हैं या कम समझ में आई हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर दिया जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, सेलेक्ट होइए, और आज के लिए फ़िलहाल टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू।